हरियाणा सरकार के कई निर्णयों कई फैसलों को लेकर विपक्षी खेमा सरकार पर हमलावर अलग अलग समय पर होता रहा है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से यहां विपक्ष की तरफ से अपनी भूमिका निभाने की बात की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने 46 डिग्री तापमान के चलते फरीदाबाद में अरावली का दौरा किया और चौंकाने वाले आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारी और राजनेताओं की मिलीभगत से हजारों एकड़ पहाड़ी जमीन पतंजलि ने अलग अलग नामों से कौड़ियों के दाम में खरीदी है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर कोट गांव के पास 5 लाख रुपए प्रति एकड़ जमीन खरीदी हुई है, जबकि गुरुग्राम में जमीन का भाव करीब 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। बीजेपी सरकार ने पतंजलि के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया। इसी कारण विधानसभा में पीएलपीए एक्ट करने की भी कोशिश की गई थी और अब इस घोटाले को उजागर करने के लिए अध्यक्ष तंवर पहले 12 जून को गुरुग्राम में बैठक करेंगे और फिर फरीदाबाद में जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जांच करने की मांग की जाएगी। फरीदाबाद गुड़गांव के बॉर्डर पर कोट गांव है और यहाँ की जमीन है सीमा पर, एक तरफ फरीदाबाद है दूसरी तरफ इस तरफ गुड़गांव है। 5 लाख रुपए प्रति एकड़ जमीन, ये जो जंगलात की श्यामलात की जो जमीन है इसको खरीदा गया। कई हजार एकड़ जमीन यहाँ बड़े बड़े बिल्डरों ने, पतंजलि ने और तमाम लोगों ने मिलकर के, सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। सरकार भू माफियाओं की गिरफ्त में है पूरी तरीके से। सरकार अभी तक सब लोग लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे, अब मैं समझता हूं कि सड़कों के ऊपर हम उतरेंगे।